अपन गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, क्या आ रहा है? यस मैम। ओके, कल हमने द्वादश पाठ महर्षि दधीचि पढ़ा था। इस पाठ का मैंने आप लोग को कल शब्दार्थ और इसका अनुवाद सेंड किया था, है ना? सभी का हो गया कंप्लीट? यस मैम, हो गया। यस मैम, हो गया। आज हम लोग जो है इसी पाठ का अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न में मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, देखेंगे। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, देखिए। यस मैम। यस मैम, स्क्रीन में आप देख रहे होंगे। आप लोगों को टोटल 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में उत्तर दीजिए, सेकंड क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति, थर्ड क्वेश्चन संस्कृत में अनुवाद, चौथा क्वेश्चन संधि का प्रकार लिखिए, पांचवा क्वेश्चन समास विग्रह कीजिए और छठवा क्वेश्चन आपको अलग अलग दिया गया है, कारक रचना लिखना है, धातु रूप लिखना है, ये सब। ठीक है, तो हम प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 1 संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क्या लिखा पहला प्रश्न? परोपकारेषु कस्य नाम अग्रगण्यम मन्यते, मतलब परोपकार में किसका नाम अग्रगण्य, मतलब अग्रणी, सबसे पहले लिया जाता है। बताइए, जो पाठ हमने पढ़ा उसमें परोपकार करने में सबसे पहला नाम किसका लिया गया, जो हमें मतलब सबसे आगे नाम उनका रखा गया है, कौन है? बताइए मैम। होना यह, होना यह क्या होता है ये बेटा? परोपकार करने में, देखिए इसमें अलग अलग आप लोगों को बताया गया था ऋषियों के बारे में, कि किसी ने अपना मांस दान में दे दिया था, किसी ने अपनी हाथ से थाली दान में दे दी गई थी, लेकिन महर्षि दधीचि एक ऐसे अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना देह त्याग दिया था, है ना, अपना शरीर त्याग दिया, तभी तो उनकी अस्थियों से वज्र बना था ना। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि परोपकार में सबसे अग्रणी नाम किसका है, तो परोपकार में सबसे अग्रणी नाम महर्षि दधीचि जी का है। तो क्या लिखेंगे आंसर? परोपकारेषु महर्षे दधीचि नाम अग्रगण्यम मन्यते, कस्य नाम की जगह सिर्फ लिखना है महर्षे दधीचि। ठीक, अगला ना, अगला क्वेश्चन, दानवानाम नायक का आसित, दानों के नायक कौन थे बताओ, क्या नाम था उनका? दानों के जो नायक थे उनका नाम क्या था? वृत्तासुर। आंसर क्या लिखेंगे? दानवानाम नायक वृत्तासुर आसित। सिर्फ आपको जहां कह लिखा है वहां पे वृत्तासुर लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, इंद्रस्या देशेन देवः किम अकुर्वन, इंद्र के आदेश से देव जो है भगवान, उन्होंने क्या किया बताओ? देवों ने क्या किया? इंद्र ने आदेश दिया था उनके जो साथी देव थे, जो भगवान थे, उनको कि कहाँ जाओ और किससे प्रार्थना करो? मैम भगवान विष्णु के पास जाओ प्रार्थना। मैम भगवान विष्णु जाके प्रार्थना। इंद्र ने सभी देवताओं से क्या कहा कि भगवान विष्णु के पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए, ये बोला था। तो वही यहाँ पर बताया गया कि इंद्र के आदेश से देवों ने क्या किया, तो इंद्र के आदेश से देवताएं देवता लोग कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। तो उत्तर में आप लिखेंगे, इंद्रस्यादेशेन देवः देव रक्षकम भगवन्तु विष्णु उपगम्य स्वरक्षाय प्रार्थयन अकुर्वन। इंद्र के आदेश से देवता अपने रक्षक के लिए भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, केन व्रज निर्मित, वज्र समझ में आया था? वज्र क्या था बताया गया था?
है ना, किससे व्रज जो वज्र था वो किससे बना था बताओ? इंद्र को जो वज्र मिला है ना वो किससे बना था? मैम महर्षि दधीची के हड्डी से। हाँ, महर्षि दधीची की जो अस्थियां थी उससे वो वज्र का निर्माण किया गया था। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि किससे वज्र निर्मित हुआ। तो वज्र जो है वो महर्षि दधीची की अस्थि से निर्मित हुआ था। तो लिखेंगे महर्षि दधीचे अस्थि भी वज्रस्य निर्माणम अभवत्। महर्षि दधीची की अस्थियों से वज्र का निर्माण हुआ। समझ आया सभी को? यस मैम। ओके, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, वो तो लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। प्राचीन काले देवना नाम दानवा नाम खालिस्तान अभुवत। तो क्या लिखेंगे? भयंकर संग्रामों। मतलब प्राचीन काल में देवता और दानवों के बीच क्या हुआ था? भयंकर संग्राम, मतलब युद्ध हुआ था। प्रार्थना श्रुत्वा प्रसन्नो खालिस्तान अब्रवित। प्रार्थना किन कौन से भगवान ने सुन ली थी? भगवान विष्णु ने सुनी थी। खालिस्तान भवंती, मतलब ऋषि जो होते हैं वो सबसे आगे होते हैं किस काम में? परोपकार। तेन खालिस्तान वृत्तासुर वध संभव अस्ति। वृत्तासुर का वध किससे संभव था? वज्रेण। वज्रेण, वज्रेण मतलब जो वज्र बनाया गया जो वृत्तासुर था उसका वध संभव था। ठीक है, अब अगला है संस्कृत में अनुवाद करो। संस्कृत में अनुवाद करो का पहला आपको दिया गया है देवों और दानवों का संग्राम हुआ। तो क्या लिखेंगे? देवानाम दानवानाम च संग्राम अभूत। भगवान आप हमारी रक्षा करें। तो क्या लिखेंगे? भगवान भवान अस्मान रक्षतु। परोपकार सज्जनों का धन है। तो क्या लिखेंगे? परोपकाराय सताम विभूतयः। इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। इंद्रः वृत्तासुरम अहनत। यस मैम। कर दूंगी अभी। अब संधि का प्रकार लिखिए। संधि आपको करना है, मतलब संधि का विच्छेद भी करना है और उसका प्रकार भी बताना है। परोपकार पर धन, उपकार कौन सी संधि हुई? स्वर संधि। उसके बाद लिखा है शिविश्च शिविधन च। शिविधन च विसर्ग लगाया जा रहा है तो विसर्ग संधि। व्रतोपवासे व्रत धन उपवासे। सिंपल सा बताया गया है, इसका मतलब स्वर संधि। एव मुक्ता एवं मुक्ता, ये भी स्वर संधि। महर्षि महाधन ऋषि महर्षि, ये भी स्वर संधि है। ठीक है, अगला है समास। कपोत रक्षाए, कपोत रक्षाए मतलब कपोतस्य रक्षाए, तत्पुरुष समास। yes. देव नायक देवानाम नायक, तत्पुरुष समास। वज्र निर्माणम, ये भी वज्रस्य निर्माणम, ये भी तत्पुरुष समास है। उसके बाद आपको आखिरी प्रश्न में दिया गया है कि जो देव कारण पुरलिंग एवं महर्षि कारण पुरलिंग की कारक रचना आपको सभी विभक्ति में लिखी है। ठीक है, देव शब्द की और महर्षि शब्द की कारक रचना आपको सभी विभक्तियों में लिखना है। भू धातु का लंग लकार में धातु रूप लिखना है और दा धातु से लट लकार में धातु रूप लिखना है। इसका मैं आप लोग को नोट सेंड कर दे रही हूँ, तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है? यस मैम। ओके मैम। तो मैं आपको आज इसके पूरे अभ्यास कार्य के नोट्स आप लोग को सेंड कर रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में इसे नोट कर लेंगे। फिर हम कल अगला चैप्टर पढ़ेंगे, त्रयोदश पाठ राम की विद्या, जिसको हम रामगढ़ बोलते हैं। ठीक है? यस मैम। आप लोग व्हाट्सएप पर आइए, व्हाट्सएप पर देखिए नोट्स आपको वहां से। यस मैम। ओके।